दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सीट्स के बारे में। और जो गूगल सीट्स में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या है और ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज मैं इसके कुछ और भी एडवांस फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। वो सारी चीजें क्या है उसे समझने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने गूगल सीट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आप अपना टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों हाइपरलिंक क्या है और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, और पहले हम ये समझ लेते हैं कि गूगल सीट में हाइपरलिंक किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट्स के अंदर। और मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे कोई हाइपरलिंक लगाना है तो अभी तक जितने भी हम हाइपरलिंक लगाते थे वो जो हमें रीडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरी वेबसाइट पे। मतलब मैं कोई कैसे करते हैं पहले उसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यूट्यूब ओपन करना है अपनी ही इसी गूगल सीट से, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंपली यूट्यूब। और मान लीजिए मुझे इस YouTube जो टेक्स्ट है इस पर मुझे हाइपरलिंक लगाना है तो मैं यहाँ लिख कंट्रोल के प्रेस करूंगा जो कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर जो होता है सर्च और पेस्ट लिंक, मैं इस पर जो होता है अपना जो भी URL मैं यहाँ पे दूंगा वो सीधे मुझे उस पर रिडायरेक्ट करेगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा। सॉरी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HTTPS। जैसे मुझे यूट्यूब के पर जाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा HTTPS: और डबल स्लैश के बाद www. और यहां मैं लिख दूंगा youtube.com। ये जो भी अभी हमने URL पास किया उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये सीधे मुझे YouTube की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा, वो भी हमारे गूगल सीट से। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे कि ये चीज हमें पता था, अब मैं अगर मैं चाहूँ तो इसे इस हाइपर लिंक को मैं फॉर्मूले की मदद से भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हाइपरलिंक लिखते ही आपको यहाँ पे URL देना पड़ेगा। और ये URL सिंपली अपने जैसे अभी दिया था वैसे ही दे सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इस बार जो है google.com पे जाना है, तो google.com पे जाने के लिए आपको सिंपली https: और डबल स्लैश के बाद आपको google.com यहाँ पे कर देना है। और देन आपको जो था डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। गूगल ने लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो यहाँ पे गूगल भी आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सीधे गूगल की वेबसाइट पे हमें जो था जो उनका है उस पर हमें रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें तो गूगल सीट्स में हम लोग जानते हैं, इसके शॉर्टकट्स क्या है वो भी हमें पता है। लेकिन मैं अभी जो चीज़ बताऊँगा वो अलग होगा। तो वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम है, तो मान लेते हैं जैसे कि मुझे मान लीजिए इस सीट में जाना है, लेकिन अगर मैं जो अभी इससे पहले जो मैं कर पा रहा था कि गूगल सीट में मैं अगर कोई इंटरनल लिंक लगाना चाहता हूँ, मतलब एक सीट से दूसरे सीट में अगर जाना चाहता हूँ हाइपरलिंक की मदद से, तो मैं नहीं कर सकता था। लेकिन अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए जो था data1 पे जाना है, तो मैं यहाँ सिंपली एक लिंक बना देता हूँ data1 के नाम से। data1 मैंने लिखा और यहाँ पे मैं जैसे ही कंट्रोल के करूँगा तो यहाँ पे देखिए सीट्स और नेम रेंजेस का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी इस टैब के अंदर जितने भी सीट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मुझे data1 पे जाना है तो मैं data1 कर लूँगा, और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये हाइपरलिंक जो तक कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये data1 पे हम आ चुके हैं और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप जो है एक सीट से दूसरे सीट में हाइपरलिंक की मदद से जाना चाहते हैं तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी भी सीट के अंदर कोई पर्टिकुलर सेल के अंदर जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल A2। मैं मान लीजिए A2 नहीं करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ D2 या D5 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा Ctrl K, मतलब यहाँ पर प्रेस करूंगा, देन सीट और नेम रेंजेस पे क्लिक करूंगा। तो इस बार मुझे सीट पे नहीं जाना है, मुझे किसी रेंज पे जाना है या फिर सेल के लिंक पर जाना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया था एक बार कैंसिल बटन प्रेस करता हूँ, देखिए सेलेक्ट ए रेंज ऑफ फर्स्ट सेल टू लिंक, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देन आप किसी भी जिस भी सीट के सेल पर जाना चाहते हैं तो वो सीट को सेलेक्ट करना है। देन आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जैसे मुझे D5 में जाना है तो मैं यहाँ D5 कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। सॉरी यहाँ पे अगर मैं अब दोबारा से क्लिक करूंगा D5 तो
हमारा जो देखिए D2 में जो D5 नाम का सेल था वो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है हाइपरलिंक की मदद से। अगर आप जो है किसी पर्टिकुलर सेल या फिर पर्टिकुलर रेंज में जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज, और रेंज में जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा इसको भी मैं हाइपरलिंक से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने कंट्रोल के प्रेस किया, सीट एंड नेम रेंजेस पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट रेंज ऑफ सेल टू लिंक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं किसी रेंज पे जाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए जो ये नेम हमने यहाँ पर लिखा हो इस रेंज पर मैं जाना चाहता हूँ हाइपर लिंक की मदद से। तो मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, देन ओके कर लेते हैं, और ये जो हाइपर लिंक है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। मैं दोबारा इस पर अगर जो हमने जहाँ पर जैसे मैंने कर्सर रखा हो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये जो अभी लिंक है वो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक करते ही हमने जो रेंज देखिए सेलेक्ट किया हुआ था हम उस वाली सीट के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो होता है अब आप हाइपर लिंक को जो होता है इंटरनल सीट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी सेल में भी या रेंज पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।